प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों में राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग व्यवस्था किए जाने के विरोध में लगातार एक माह से धरने पर बैठे सरपंचों की इन दिनों हालत यह है कि ना घर के हैं ना घाट के रहे। एक तरफ सरकार द्वारा उक्त नियमों को लागू करना तो दूसरी तरफ इनके विरोध में अपने घर का कामकाज छोड़कर धरने पर बैठना, जिसके चलते सरपंच अपने घर का काम तक नहीं कर पा रहे हैं और सरकार द्वारा किसी तरह की ग्रांट न मिलने से अपने गांव का विकास तक नहीं करवा पा रहे। गोहाना खंड के सरपंचों के जारी धरने पर सप्ताह दो सप्ताह तमाम सरपंच बैठे रहे, मगर धीरे धीरे बैठने वालों की संख्या कम होती चली गई। इस बारे में जगत महान न्यूज ने मंगलवार को जब धरना स्थल पर जाकर देखा तो आधा दर्जन सरपंच दिखाई दिए। देखते हैं कि सरपंचों ने कैसे अपना दुखड़ा रोया। खानपुर की सरपंच योगिता के पति दिलावर व अन्य सरपंचों का दुख सुनिए। हम जी महीना हो गया, महीने से ऊपर हो गया बैठे हैं, सारा घर का काम छुटवा रखा, सारा आड़ेगा सारा काम का। इतनी निकम्मी सरकार हमने तो देखी नहीं कभी, ओड जोड़ हो लिया हमने तो देखी नहीं कि पब्लिक का इतना बुरा हाल नहीं करना चाहिए था। इनने आस लाग बनाई थी कि भाई अच्छा काम करेंगे, ये तो सरपंचों सरपंचों के साथ नहीं है तो वैसे भी बुरा व्यवहार करने लग गए। जैसे रोहतक थे लड़कियों को भी जब पुलिस वाले उठा उठा भगावे हैं, कोई अपनी मांग उठान लाग जाए वहाँ लड़की पूछे जो थी बेचारी जी हमें ये प्रॉब्लम है ये है, तो मतलब उनको भी बोला भगाओ, ये खट्टर साहब बोल रहे हैं उनको भगाओ इनको उठा के यहाँ से, तो ये अच्छी बात नहीं है खट्टर साहब की, ये ज़्यादा तानाशाही करन लाग रहा है। तो हम तो ई टेंडरिंग जो उसका इसका बैम है ये सरपंच उठ जाएंगे राइट टू रिकॉल, ये पहले अपने पर लागू करो बाद में सरपंचों पर लागू करो, हमने कोई आपत्ति नहीं है इसमें पहले। और ये वहाँ कर्मचारी जा रहे थे चंडीगढ़, उनके साथ भी ऐसा ही बुरा बर्ताव किया, लठ मारे प्रशासन को और जनता को आपस में भिड़ाने पर लग रही है ये सरकार। कल जींद में वहाँ हमारे भाइयों के साथ वहाँ लाठीचार्ज किया इन्होंने, जींद में सरपंचों के साथ गलत व्यवहार कराया, ये जमा भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो ये भिड़वा के मारेंगे इस देश को, क्यों शोध हमारे भी उठेगा, जब हमारे भाइया कि लाठी लागेंगे तो कल ना हमने बिठानी पड़ेंगी, मजबूरन हमने भी उठानी पड़ेंगी ये। और इन भिड़वाने की सोच तो ये पक्की रहे हैं कि भाई आपस में पब्लिक को भिड़वा दो, इनके पल्ले कुछ रह नहीं रहा। तो जी हमने कहा इनने शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा इनको और ये पब्लिक का ठीक काम करें, दूसरे काम मंगा सरपंच को कर काम करा खानपुर में, इसके सलाहकार तो दूसरे प्रदेश आगे काम कैसे करेगा यू। थाना बहादरी से क्या नाम है? प्रमोद जी। प्रमोद भाई आप लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही, काम आप बता रहे हो कि हो नहीं रही, अभी दिलावर भाई ने भी बताया, कैसे काम चले और कैसे मतलब एक बीच का रास्ता निकले? बीच का रास्ता तो जी ऐसे ही है, ये सरकार हमारी मांगे पूरी करे माने और ये भाईचारा बनाए रहे छत्तीस बरादरी का, तानाशाही राज ना करें। तो इन्होंने यही है कि 2024 में इन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है जी, ऐसी बात थोड़ा है, हम वो सरपंच वाला ही इलेक्शन लड़ेंगे ना कि हम ये एमएलए एमपी वाला, हम जमींदारा करते हैं। तो आप जमींदार किसान हो, यहाँ बैठे हो, वहाँ किसानी वाला जो काम है अपना धंधा वो नहीं हो रहा, लोग उम्मीद कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो सरकार से कुछ कम्युनिकेशन तो बने है आपकी बात ना? तो जी घर का काम हो रहा है, उधर से घर वाले भी गुस्सा होते हैं, इधर बैठे हैं ना गवर्नमेंट सुन रही है हमारी कोई, और जैसे इन्होंने जींद में किया कल लाठीचार्ज, इस तरीके से ये इनकी अच्छी बातें नहीं है। और फिर हमने भी जबरदस्ती ये ना माने कि हमने भी लाठी उठानी पड़े। मैं जी पंचायत समिति मेंबर हूँ जी, मैं वार्ड 6 से, मेरे अंडर में 3 गांव आते हैं, अभी तक 2-3 बार मीटिंग के लिए बुला लिए, कोई काम नहीं हो रहा, आज की भी मीटिंग दी, बस आए बैठ के वापस जाओ भाई। तो बजट की कोई बात नहीं, चर्चा नहीं हुई? कोई नहीं अभी तक जी, ना को पावर है, वैसे इलेक्शन लड़वा दिया इसमें ना तो को पावर दे रखी है हमारे, तो ना को काम हो रही है, अब इतने दिन हो लिए इलेक्शन हुए हैं, तीनों गांव में है किसी एक को लाइट तो ही लागण का कोई मतलब नहीं है, वह मानस फिर कम है, हमने भी अब वही काम नहीं करवा रहे, क्या कर रहे हो, सरकार कुछ देवा नहीं है तो हम कितना करवाओगे जी, घर का काम छोटे बैठे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, उड़ा वो क्लिनिक नहीं संभाला जा रहा, उड़ा मरीज भी बांट देखे हैं, ये बाड़ा आवे हर बुलाए ले हर फिर कह दें उल्टे चालो भाई। अच्छा जी इलेक्शन ये गाँव वाला ने मेरी तो वैसे भी सर्व समिति हुई थी, हमारे गाँव से 3 गाँव आते हैं, और जैसे कि ये काम के लिए ही लोगों का भला करने के लिए हमें उठे थे इलेक्शन में, जब काम नहीं होगा तो आगे फिर वह आदमी को गाल दे रहे हैं, गांव वाले हैं जो बोल रहे हैं भाई तुमने को अपना काम में नहीं अब बन क्या खतर रहे हो भाई, माम घर तक इतना लाओ हमारा इतना ब्यों तो नहीं जी। जगत महान न्यूज़ के लिए सारिका नरवाल की रिपोर्ट।